मनमोहक जगह है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल रजवी ब्लॉग नवादा। तो आज फिर से आपका दोस्त रजवी आपके साथ है। तो आज की वीडियो जो है वो भी ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए कि पिछली वीडियो में आपने पूरा नवादा से रजौली का वर्क देखा और यहाँ से रजौली के अभी मैं मोड़ पर खड़ा हूँ, रजौली से 2 किलोमीटर आगे पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ से हम जाने वाले हैं रजौली के हरदिया डैम, जो कि नवादे ही ज़िले में पड़ता है। उसको हरदिया डैम भी कहा जाता है और फुलवरिया डैम भी कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं उस चीज़ को जान नहीं रही, वहाँ की वो मोमेंट देख नहीं रही है। तो वो मोमेंट आपको मैं दिखाऊंगा, वो चीज़ आपको दिखाऊंगा, क्या नज़ारा होता है और क्या सीन होता है। तो चलते हैं, आपको मिलते हैं वीडियो में। गाइस, मैं फर्स्ट टाइम किसी डैम को देख रहा हूँ और ज़बरदस्त वाली फील ले रहा हूँ। लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं किसी डैम के पास आया और डैम का एक मंज़र मेरे सामने है। भैया, आप इससे पहले डैम आए थे? जी नहीं, कभी नहीं। पहली बार आप कभी है ना? सच्ची? तो यानी दोनों भाई एक साथ जो है पहली दफ़ा, फर्स्ट टाइम दोनों भाई जो है फर्स्ट टाइम जो है इस डैम का व्यू ले रहे हैं और इस डैम का जो है नज़ारा को जो हम फील कर रहे हैं ज़बरदस्त वाला। तो आगे क्या है, आगे भी सोचते हैं जाने के लिए, है ना? आगे जाकर देखते हैं थोड़ा सा। चारों तरफ से एक पहाड़ ही पहाड़, मेरे पीछे भी आप देख सकते हो एक ज़बरदस्त वाला हिल। वैसे काफ़ी बेटर फील हो रहा है यार, ज़बरदस्त लग रहा है। तो अजीत और पिंटू दोनों दोस्त जो है एक साथ रजवी ब्लॉग के चैनल पर, दोनों दोस्तों की एक दोस्ती जो है दिख रही है बरकरार। और इस जगह के बारे में क्या कहना चाह रहे, मतलब यहाँ आकर कैसा आपको फील हो रहा है? बहुत ही मनमोहक जगह है, है ना? जैसे बिहार का कश्मीर आप कह सकते हैं एक प्रकार से। वेरी गुड। हिल के नीचे हम लोग, और अभी आपको दूसरी साइड वाला जो है उधर वाला भी आपको सीन दिखलाया जाएगा कैसा क्या होता है ना। दीजिएगा चैनल को। थैंक यू। कैसा फील आ रहा है गुरु, बताओ? इधर इस साइड तो पूरा डैम ही डैम, और फिर हमारे पीछे आप देख सकते हो एक जबरदस्त वाला व्यू, मतलब हिल का, और पूरा चारों तरफ से जो है पहाड़ ही पहाड़ है। अगर अभी भी हमारी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली दफा विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मेरे इस साइड में जिधर मैं हाथ कर रहा हूँ इधर पानी जमा होता है ना, और निकलने का जो द्वार है वो दूसरी साइड, मतलब इस साइड में है। इस साइड आपका पानी जमा होता है और इस साइड निकलने का द्वार है। तो ये आप देख रहे हो ना सामने, तो वो जो सारा पानी जो डैम का है वो यहीं आके कलेक्ट होता है और यहीं से फिर डैम को खोला जाता है, फिर जितनी भी पानी जो है वो आगे की ओर बढ़ती है। तो उधर का, इधर का तो व्यू पूरा आप देख रहे हैं, लेकिन आगे का आपको व्यू दिखाते हैं उधर का कैसा दिखता है ना। ये आप देख सकते हो, मतलब इधर ही से जो है पानी टोटल जो है रिलीज़ होता है, आगे जो है हल्का सा मतलब पानी है। और अभी तो लोगों ने मतलब रास्ता बना दिया, जब ये डैम खुलता है खोला जाता है तो सारा रास्ता मतलब बायकॉट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये वो रहा फाटक, जैसे जो पानी जब कम्प्लीटली फुल हो जाता है तो इसको खोला जाता है, उसके बाद फिर जो है टोटल पानी रिलीज़ होता है। आप देख सकते हो, मतलब सेलिंग टाइप में जो है, ये सेलिंग आप देख रहे हो ना, हाँ ये सेलिंग है, और सेलिंग एक इधर सेलिंग है ना। एक फाटक कितना हार्ड है यार, और मेरे ख्याल से इसको खोलने के लिए जो है ना इसी के अंदर वो मशीन है। तो इसको अब जो है ढक दिया गया, पहले ये ढका हुआ नहीं था। देखा जाए गाइस, तो यहाँ से पानी को रिलीज़ करने के लिए 8 द्वार बनाया गया है, जिसमें से अभी सारा द्वार जो है लगभग सारा द्वार बंद है, कोई अभी द्वार खुला हुआ नहीं है। खुला हुआ होता है तो फिर जो इस साइड का आप व्यू देख रहे हो ना, मतलब अभी देख सकते हो आप कितना ज़बरदस्त वाला सीन दिख रहा है यहाँ से, लेकिन अभी सारा जो है बंद है, तो इस वजह से यहाँ पे हमें पानी कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ये खुलता है तो ज़बरदस्त वाला फिर और व्यू दिखता होगा।
गाइस, ज़्यादा ऊंचा नहीं चढ़ा, थोड़ा सा चढ़ा लेकिन बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार। काफ़ी मोटा मोटा हो चुका हूँ, थोड़ी डाइट भी करनी ज़रूरी होगी, बुरी हालत हो रही है। और अभी वहाँ तक थोड़ा देख रहे हो ना, वहाँ तक अभी और जाना है। भाई लोग देखो कहाँ तक पहुँच गए, बहुत टफ लग रहा है। चलो चलते हैं। गाइस अब मेरे पीछे देखो, क्या ज़बरदस्त वाला सीन है यार। थक तो रहा हूँ लेकिन मज़ा भी आ रहा है गुरु। हाँ थक गया यार, बहुत ऊंचा है और रास्ता सही से है नहीं। चढ़ तो गया, उतरने के टाइम देखा जाए कैसे उतरता उतरा जाता है। सांसें तेज़ हो गई। हाँ हाँ आगे का मंजर आपको और व्यू दिखाऊंगा कैसा लगता है। अब मैं कंटिन्यू बोल भी नहीं सकता यार, काफ़ी थक गया। पीछे आप देख सकते हो एक ज़बरदस्त, वो भी पहाड़ पर, एक पूरी की पूरी टोली। आपने पूरे पीछे पूरी एक एंजॉय वाली टीम देखी, ज़बरदस्त वाला व्यू था। और इधर आगे रास्ता बना हुआ है मेरे ख्याल से, देख रहे हो ना रास्ता बना हुआ है। देखने आए थे डैम, लेकिन अब भाई हिल जब देखा तो दिल किया चढ़ जाने का। अब चढ़े तो मज़ा ही फिर कुछ और आ रहा है। काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं और मेरे पीछे फिर ये एकदम मतलब डीप वाला व्यू देख सकते हैं कैसा लग रहा है। कुछ आप देख रहे थे उस जगह पर, आप मेरे पीछे देख रहे हो जहाँ पे अभी सन आपको दिख रहा है, एकदम वहीं पर मैं चढ़ा हुआ था। काफ़ी डेंजर था लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कुछ खा पी लिया जाए यार, इसलिए कि नाश्ता खा कर निकला था। आप ही का है क्या? क्या है आपका नाम? क्या है? अजय साहब। अजय साहब, इस पूरे डैम में अकेला तहलका आप मचा रहे हो है ना, कैसा लगता है यार? बढ़िया लगता है। तो भाई आप क्या क्या रखे हुए हैं, थोड़ा सा हम लोग को ही मज़ा देंगे? क्या क्या है? सत्तू चना बादाम, वो झाल मुड़ी वगैरह ही बनाते हैं। झाल मुड़ी, तो झाल मुड़ी आप कितने का बनाते हैं? 10 का प्लेट। 10 का प्लेट, 3 प्लेट तैयार कीजिए। थोड़ा सा खाइएगा चना है। तो गाइस चना, सत्तू, मूंगफली और टोटल इंतज़ाम है। तो खैर भूख की शिद्दत मेरी बढ़ गई, तो थोड़ा सा भूख को कंट्रोल के लिए भाई हमारे लिए, आपका नाम क्या बोले भाई? अजय साहब। तो भाई हमारे लिए, अजय भाई जो है हमारे लिए थोड़ा सा झाल मुड़ी तैयार कर रहे हैं ताकि उसका टेस्ट लेकर थोड़ा सा अपने भूख को रिलैक्स कर सकें। और उसके बाद आपने मतलब उस साइड का एरिया आपको दिखा दिया था, फिर इधर आपको, आप जो मेरे पीछे हिल देख रहे हैं ये वाला, ये इस पर भी हम चढ़ा, वो भी आपको सीन दिखाया। और थोड़ा सा नाव उसका थोड़ा सा इंजॉय लेना है, इसलिए कि अपने लाइफ में अभी तक नाव का एक्सपीरियंस नहीं लिया है। वो एक्सपीरियंस अगर ले लेते हैं तो और बेटर होगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर कहीं अगर लिया जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और बाकी मेरे पीछे का आप व्यू देख रहे हैं, ज़बरदस्त व्यू। तो इसी व्यू के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, एक डैम है और डैम के पास में जो है चारों तरफ से हिल ही हिल है, और उस हिल के पास जो ये वाला व्यू आता है ना, बस इसी व्यू को हम लोग फील करने के लिए भाई 40 किलोमीटर दूरी से यहाँ तक आते हैं। बस तो गाइस आप जा रहे हैं थोड़ा सा नाव पर टहलने के लिए, नाव पर घूमने के लिए, इसलिए कि हमने एडवेंचर का वाइब लिया और अब वाटर का वाइब लेना है। तो गाइस कश्ती है वहाँ और हम हैं यहाँ, तो चलते हैं। तो गाइस ये पत्थर वाली वाइब जो है ना, ये एकदम गोवा वाली बीच का वाइब दे रहा है भाई। आप बिहार में एक ज़बरदस्त वाइब आपको अगर पाना है तो फुलवरिया डैम आइए। क्या नाम है आपका? आपका मोनू नाम है। तो कितना एक सवारी का कितना लेते हैं? थोड़ा सा 20 लेते हैं। 20 रुपए लेते हैं, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पर आप कब से सेवा दे रहे हैं? मतलब कि हो गया है, सवेरे दे रहे हैं। अच्छा डेली आते हैं है ना? अच्छा तो यहाँ
देखते हैं, हमको यहीं बैठना है। चलिए तो मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ, है ना। चलिए मैं बैठ लिया, आप आगे जाइए, आप भी जाइए भैया। किसको कहाँ बैठना है वो बैठा लीजिए, है ना भाई। फर्स्ट टाइम इस नाव पर। फर्स्ट टाइम इस नाव पर बैठा है और नाव वाला व्यू जो है भाई जबरदस्त लग रहा है यार। मोनू भाई के पीछे हम बैठे हुए हैं और है ना, और वाटर का वाइब लेते हुए। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम, और वो भी वाटर का वाइब लेते हुए। ज़बरदस्त वाला व्यू आ रहा है और ज़बरदस्त वाला इंजॉय, ज़बरदस्त वाला मज़ा मिल रहा है भाई। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट पहला एक्सपीरियंस, वो भी अच्छा वाला, एकदम गुड फील हो रहा है। तो गाइस फिलहाल इस नाव की सवारी लेते हुए और पानी वाली वाइब, पहले जिस पर जैसे बैठा तो अजीब जैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक तरफ यूं यूं पलट जाएगा, लेकिन अब जो है बढ़िया फील हो रहा है, बहुत अच्छा, बेटर फील। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये पानी और पानी के पीछे जो सनराइज डूबता हुआ, ये वाला व्यू और ज़बरदस्त है, जो कि मैं उसको फील कर रहा हूँ, देख सकता हूँ, इसलिए कि कैमरे में वो पूरा उतना क्लियर आपको नहीं दिख सकता, लेकिन मैं उस चीज़ को फील कर रहा हूँ। अगर वही चीज़ आपको भी फील करना है तो इस मतलब बिहार के कश्मीर में एक दफ़ा ज़रूर आएँ। यहाँ ये गहरा कितना होगा भाई, कितना, 150 फीट गहराई बता रहे हैं इस डैम का, लगभग 150 फीट प्लस है, है ना। ये वाला व्यू जो है ज़बरदस्त, लाजवाब, एकदम धांसू, मोनू भाई के साथ में, है ना मोनू भाई। तो कितना समय लगेगा मोनू भाई यहाँ पर जाने में, 1 घंटा 20 मिनट लगेगा, 1 घंटा 20 मिनट लग जाएगा यार। अब गाइस मानो तो ये रियली ओरिजिनल बाहुबली, अगर वाला बाहुबली वाला अगर काम हो रहा तो मोनू भाई वो कर रहे हैं काम, ओरिजिनल बाहुबली वाला। क्योंकि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 मतलब 8 बंदे अलग और ये खुद लेकर 9 बंदे को एक कश्ती पर लेकर और पानियों को काटना अपनी ताकत से, ये कोई आम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है भाई। हमने इस नाव की सवारी जो है मुकम्मल कर ली, पानी वाला भी वाइब आपने देखा। रजवी व्लॉग नवादा, हाँ व्लॉग नवादा। तो गाइस आप देख सकते हैं और पीछे देखिए एक कश्ती, एक नाव और आ रहा है और वो लोग भी पूरा एंजॉय में है, ज़बरदस्त। मेरे को अपना फील और मेरे साथ जो लोग थे उनका फील ज़बरदस्त लगा। और कहाँ से हैं आप? कोडरमा से हाँ। तो खास ये डैम, यस, पहाड़ी वगैरह पे चढ़े हैं? नहीं अभी तक तो चढ़े नहीं, नहीं चढ़े, उधर भी चढ़ी, उधर का ही मज़ा आएगा। हम लोग का तो लास्ट हो गया, हाँ ज़बरदस्त रहा। लेकिन रियली बताऊँ, इस वीडियो को पहुँचाने से ज़्यादा मुझे आपको देखने में जो मज़ा आया, उससे ज़्यादा मुझको इस वीडियो को बनाने में, इस जगह का एंजॉय लेने में, इस जगह पर जो फील है उस फील को एहसास करने में मुझे जो मज़ा आया वो शायद मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और भी लोग जो है देखिए नाव की तरफ बढ़ रहे हैं, नाव की सवारी करने के लिए जा रहे हैं। तो एक दफ़ा तो गाइस वक्त निकाल कर ज़रूर आना इस जगह पर, इसलिए कि यहाँ पर जो है सिर्फ डैम नहीं है, डैम के साथ ही साथ जो है पहाड़ी एडवेंचर, हिल्स की एडवेंचर जो है वो आप वाइब, वहाँ की वाइब ले सकते हो। फिर उसके बाद ये वाटर जो हमने दिखलाया आपको, वाटर वाली फील ज़बरदस्त है यार। लेकिन एक बात और, जब भी आना मॉर्निंग एकदम निकलना, इसलिए यहाँ पर पहुँचने में आपको काफ़ी वक्त लग सकता है। और यहाँ पर अगर 2 घंटा 3 घंटा आप अगर वक्त देते हो तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपना समय कुछ भी नहीं दिया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, कब आए आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।